दुर्गा पूजा को लेकर भागलपुर के तमाम दुर्गा मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई है। इसको लेकर नाथनगर के महाशय डीओडी और सुजापुर स्थित दुर्गा मंदिरों में रविवार को माँ दुर्गा के आवाहन के लिए ढोल ढाक और बाजे गाजे के साथ गंगा घाट के लिए बोधन घाट कलश यात्रा निकल, जहाँ से कलश में गंगा जल भरकर बोधन घाट का मंदिरों में आगमन हुआ। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बोधन घाट में जल भरकर मेणपति और पुरोहित वापस मंदिर पहुंचे, जहां बोधन कलश को स्थापित कर देवी दुर्गा के आवाहन के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। एक ओर जहां शारदीय नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी, वहीं बंगला विधि से पूजा वाले अधिकतर मंदिरों में बोधन घाट कलश के आगमन के साथ ही विजयदशमी तक के लिए पूजा की शुरुआत रविवार को हो गई। वहीं महाशय डीओडी और सुजापुर दुर्गा मंदिर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विभिन्न मंदिरों में यह पूजा 18 दिनों तक चलेगी, जिसमें मंदिर में प्रज्वलित दीप लगातार विजयदशमी तक जलती रहेंगी। मान्यता के अनुसार कोलकाता की काली पूजा की तरह भागलपुर महाशय डीओडी की दुर्गा पूजा काफी प्रसिद्ध है। महाशय डीओडी मंदिर में कौड़ी लुटाने की परंपरा 400 वर्ष पुरानी है, जिसे बंगाली परंपरा के अनुसार धन कुबेर का धोटक माना गया है और सुहागिन महिलाएं इस कौड़ी को सिंदूर के किया में रखती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार दुर्गा मंदिर में लुटाई गई कौड़ी को घर में रखने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में कौड़ी लूटने के लिए होड़ मच जाती है। वहीं पूजा को लेकर महाशय परिवार के अरविंदो घोष ने बताया कि बोधन घट कलश आगमन के साथ ही माँ दुर्गा की आवाहन पूजा शुरू हो गई और नवरात्र के साथ विजयदशमी तक परंपरा के अनुसार विधि विधान से पूजा की जाएंगी। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी गंगा स्नान के बाद बोधन घट कलश में जल भरा और शंख घड़ी घंट की ध्वनि के बीच बोधन घट के साथ मंदिर में प्रवेश किया। प्रक्रिया का नाम है बोधन। बोधन मतलब शुरुआत, बोधन मतलब आह्वान, बोधन मतलब वेलकम। भगवान को हम वेलकम करते हैं, आज निमंत्रण देते हैं, जो आप 4 दिन के लिए यहाँ पे आइए, यहाँ 4 दिन हमारे साथ रहिए। ये निमंत्रण जो हम देते हैं, ये तो पत्रिका के हिसाब से नहीं देते हैं। हम गंगा के पानी लेके उनको अर्पण करते हैं, जो भाई ये हम अर्पण कर रहे हैं, आप हमारे साथ 4 दिन के लिए शिव जी के साथ आइए, दुर्गा माता परिवार के साथ आइए, लक्ष्मी सरस्वती कार्तिक गणेश शिव सब आपके वाहन, सभी के वाहन और शिव जी सबको लेके आप हमारे यहाँ पधारिए। जेपी आंदोलन के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि के अवसर पर भागलपुर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल परिसर स्थित उनकी प्रतिमा के समीप गांधी विचार विभाग की ओर से जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान गांधी विचार विभाग के सदस्यों ने संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। बता दें कि 8 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि और 11 अक्टूबर को जयंती समारोह मनाई जाती है, जबकि रविवार को पुण्यतिथि के दौरान वक्ताओं ने लोकनायक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। वहीं इस दौरान डॉक्टर फारूक ने कहा कि जयप्रकाश नारायण आज़ादी के बाद के सबसे प्रखर नेता थे और उन्होंने बिहार को देश के नेतृत्व का एक अवसर प्रदान किया। इधर गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाई गई, जिन्होंने देश में संपूर्ण क्रांति का नारा बुलंद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, शिक्षा में क्रांति, समाज में क्रांति समेत आत्मशुद्धि एवं भाईचारा के साथ लोकतंत्र की बहाली में जेपी ने जनता को चुनाव के माध्यम से सत्ता में सीधी भागीदारी का संदेश दिया, जिससे देश तरक्की कर सके। मौके पर महबूब आलम, डॉक्टर जयंत जलद, वसुदेव भाई समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में षड्यंत्र रच रहे अपराधियों पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर भागलपुर के CTSP अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी साझा की। CTSP ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को अपराधियों द्वारा आपराधिक वारदात को अंजाम देने की जानकारी मिलने के बाद SSP के निर्देश पर CTDSP अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में जाँच टीम गठित की गई। CTSP अमित रंजन ने बताया कि CTDSP अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में बरारी SHO आशुतोष, इंस्पेक्टर संजय कुमार सुधांशु, मिथिलेश चौधरी समेत कई पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा बलों के साथ अपराधी सूरज तांती के घर पर छापेमारी की, जिसमें पुलिस टीम ने मौके से हत्याकांड में आरोपी सूरज तांती, रंगदारी कांड में शामिल शिवम तांती समेत 3 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। CTSP ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूरज तांती पर 4 मामले दर्ज हैं।
जिससे धूरी यादव हत्याकांड में वह आरोपी है। जबकि पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में बड़ी घटना को टाला जा सका। साथ ही उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा में बड़ी घटना को अंजाम देने की बात भी सामने आ रही है, जबकि पुलिस द्वारा लगातार गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों पर नजर रखती है जो कि संगीन धाराओं में जेल में है अथवा बेल पर जेल से बाहर है। तो इसी क्रम में कल वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग एक क्राइम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तुरंत इसमें एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम का नेतृत्व DSP सिटी अजय चौधरी कर रहे थे, और तुरंत उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस लोकेशन पर छापेमारी की गई। तो सूरज ताती के घर पर सूरज छापेमारी की गई और उसके साथ शिवम कुमार ताती और 3 और अज्ञात लोग थे। और छापेमारी के क्रम में 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद किए गए। और ये लोग संगीन अपराधी हैं। सूरज ताती के ऊपर टोटल 4 केसेस हैं। एक बहुत चर्चित धूरी यादव हत्याकांड में भी ये शामिल था, और शिवम ताती के ऊपर भी 1 केस है रंगदारी का है। और भी आपराधिक इतिहास हम इन लोग का पता कर रहे हैं। इस टीम में भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में हो रही जन समस्याओं को लेकर नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नगर सभापति ने 2, 3, 4, 15 और 16 नंबर वार्ड समेत कई इलाके एवं सब्जी मंडी बाजार का भी जायजा लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व्यवस्था की गड़बड़ियों को देखकर नगर सभापति ने सफाई कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। सभी जगहों पर सही तरीके साफ सफाई करने का निर्देश दिया, जबकि निरीक्षण के क्रम में ड्यूटी से गायब जमादार और सफाई कर्मी की हाजिरी भी काटने का निर्देश नगर सभापति ने NGO को दिया। वहीं उन्होंने वार्ड के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और संबंधित विभाग के कर्मियों को उसका निदान करने का निर्देश दिया। इधर नगर परिषद क्षेत्र के निरीक्षण के बाद नगर सभापति ने बताया कि वार्ड में मैली गंदगी की तुरंत और नियमित तौर पर सफाई करने का निर्देश दिया गया, जबकि कार्य में लापरवाही या ड्यूटी से गायब होने वाले जमादार और सफाई कर्मियों पर कार्रवाई की जाएंगी। वहीं राजकुमार गुड्डू ने गर्ल्स हाई स्कूल के जर्जर भवन के सवाल पर कहा कि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से बातचीत कर समस्या का निदान करने की बात कही गई है। निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षद संजय चौधरी, विभूति यादव, विनोद रजक सहित कई वार्ड सदस्य और कर्मी मौजूद रहे। थांगटा फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से 29वीं जूनियर राष्ट्रीय थांगटा प्रतियोगिता का आयोजन श्रीनगर के मल्टीपर्पज पोलो इंडोर स्टेडियम में किया गया। 3 दिवसीय राष्ट्रीय थांगटा प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसमें 3 थांगटा खिलाड़ियों ने 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। इस दौरान आकांक्षा सिंह, निखिल यादव और शिवम सत्यम शाह ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया, जबकि पूर्वी चंपारण के निराले बाबू ने कांस्य पदक प्राप्त किया। इसके अलावा प्रज्वल कुमार, हर्षित कुमार, कुमारी सनाया और प्रेम कुमार ने अंडर 4 रैंक प्राप्त किया, जबकि बिहार टीम के 15 अन्य खिलाड़ियों ने भी बेहतर खेल का प्रदर्शन कर अच्छा रैंक हासिल किया। वहीं इसको लेकर बिहार थांगटा संघ के महासचिव विकास कुमार झा ने बताया कि इस नेशनल चैंपियनशिप के दौरान कोच की भूमिका विकास कुमार झा, संतोष कुमार और वंदना कुमारी ने निभाया। टीम में मैनेजर की भूमिका में अशरफ अहमद मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इन सभी खिलाड़ियों को DG सब बिहार स्पोर्ट्स डायरेक्टर रविंद्रन शंकरन ने बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। इधर बिहार थांगटा संघ के सभी पदाधिकारी और सदस्यों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराने वाले खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भागलपुर कलवार सभा की ओर से रविवार को सैंडिस कंपाउंड स्थित स्टेशन क्लब परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन कलवार सभा भागलपुर के अध्यक्ष गिरीश चंद्र भगत, महासचिव नीरज भगत, वैश्य महासभा के निवर्तमान अध्यक्ष रमन शाह और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राजेश गोपाल ने किया। इस दौरान कलवार सभा के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया जिसमें पूनम भगत, अभय चौधरी, कुमार गौरव, रूपम मिश्रा और अंकित आनंद समेत काफ़ी संख्या में समाज के लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खगड़िया जल संसाधन विभाग कार्यपालक अभियंता राजीव भगत रहे। वहीं रक्तदान शिविर में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लेकर रक्तदान के महत्व पर चर्चा करते हुए राष्ट्र की समृद्धि में योगदान देने का संकल्प लेने की बात कही, जबकि इस दौरान ब्लड बैंक की पूरी टीम के द्वारा बारी बारी से जाँच कर रक्त का संग्रहण किया गया। रक्तदान शिविर का संयोजन
कलवार समाज के अमित भगत ने किया। मौके पर शंभू भगत, मनोज चौधरी, नागार्जुन जायसवाल, प्रमोद मिश्रा समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। दिल्ली में पत्रकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ रविवार को भागलपुर कचहरी चौक समाहरणालय द्वार के समीप कांग्रेस इंटक कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बंद करने के साथ पत्रकारों की आवाज़ दबाने की कोशिश बंद करने की बात कही। साथ ही न्यूज़ क्लिक के समर्थन में आवाज़ बुलंद करते हुए वी स्टैंड विथ न्यूज़ क्लिक का नारा भी लगाया। साथ ही अभिव्यक्ति की आज़ादी के समर्थन में कई नारों के साथ पत्रकारों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने की बात करते हुए प्रतिवाद भी किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पत्रकारों की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या, प्रेस की आज़ादी पर सीधा हमला है। मौके पर मंटू यादव, संतोष कुमार, डॉक्टर विश्वजीत कुमार, दिलीप कुमार समेत इंटेक कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। लोजपा के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के अवसर पर लोजपा नेता सह उप मुख्य पार्षद नीलम देवी के सुल्तानगंज स्थित आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्य पार्षद नीलम देवी, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार समेत लोजपा के कई कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोजपा नेता ने दिवंगत रामविलास पासवान के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए मौजूद लोगों को उनके जीवन से सीख लेने की बात कही। साथ ही अपने दिवंगत नेता के विचारों का अनुकरण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। मौके पर काफी संख्या में लोजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।